अस्सलाम वालेकुम। तो क्या ले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे जो भी ब्रदर्स जो हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब जो यूट्यूब पे काम करते हैं या किसी और चीज़ पे काम करते हैं या जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेसिट कोई भी चीज़ कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई एडिटिंग या कोई मतलब ऐसे कोई टिकटॉक की वीडियो शूट करते हैं, तो ये सब में मतलब होता क्या है कि आपको जो सॉफ्टवेयर होता है कोई भी होता है तो वो फाइल सपोर्ट नहीं करता है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है या कैमरा में ऐसा कौन सा सेटिंग है जिसे करने के बाद आपके जो सॉफ्टवेयर होगा, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए तो वो आपकी वीडियो को सपोर्ट करेगा। मेरे साथ भी ये मसला पेश आ रहा, तो मैं सोचा कि यार आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मेन मसला यही होता है अगर वीडियो अगर बनानी होती है तो उसको लास्ट में एडिट करना होता है, एडिट के बाद जो है ना वीडियो को मतलब चार चांद लग जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यार बहुत से लोगों का जो वो फाइल फॉर्मेट होता है वो सपोर्ट नहीं करता उनको सॉफ्टवेयर। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, मैं जो अपने मोबाइल से पहले शूट करता था उसका जो रियल कैमरा होता है, मतलब उसका अपना जो एप्लीकेशन होता है कैमरा का, मोबाइल का अपना, उससे जब भी मैं शूट किया करता तो मेरी जो मोबाइल का एप्लीकेशन में अक्सर जो है ना काइन मास्टर में एडिट किया करता हूं, तो वहां पर सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने क्या किया, अपने पीसी में फाइल ट्रांसफर की, तो मैंने अपने जो है सॉफ्टवेयर ओपन किया फिल्मोरा, जो इस टाइम मतलब बहुत ही मतलब ज़बरदस्त चल रहा है सॉफ्टवेयर। तो फिल्मोरा में भी मेरी जो फाइल थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, वहां पर तो बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। और इसमें यह मतलब अनसपोर्टेड फाइल बता बोल रहा था कि भाई कन्वर्ट करो, इसमें जो है ना कोई दूसरी फाइल फॉर्मेट में लाओ, फिर जो है ना इसको हम उठाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई फुल HD वीडियो जैसे आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ऐसी वीडियो को आप किसी भी सॉफ्टवेयर में लेकर जाओ, आपकी जो है ना वो एडिट होगी। वहां पर ये होता है भाई जैसे हम कन्वर्ट करते तो उसका फर्क पड़ जाता था उसके रेजोल्यूशन में, लेकिन बगैर किसी रेजोल्यूशन के फर्क पड़े आपके रेजोल्यूशन वैसा का वैसा रहेगा। आप चाहें तो 4K पर भी शूट कर सकते हैं अगर आपका कैमरा वैसा हुआ तो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मेरा नाम ऋषान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल जी। तो बिना टाइम चाहिए चलिए वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता चलूं कि आपको जो है कभी भी अगर आप कोई वीडियो वगैरह शूट कर रहे हो कोई भी हो, ठीक है, अगर आप टिकटॉक जो एप्लीकेशन होता है वहां पर आप अगर आपको एडिट करना है तो वहां पर सिंपली जो आपका अपना जो कैमरा होता है वहां पर मतलब एडिट हो जाएगा, हर चीज़ वहां पर फाइल वगैरह सपोर्ट भी होगा। लेकिन अगर आप काइन मास्टर में लेकर आ रहे हो, किसी और एप्लीकेशन में लेकर आ रहे हो, खास करके मैं काइन मास्टर वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पर ये होता है कि भाई फाइल सपोर्ट नहीं हो रही होती। अगर बंदा कोई वहां पर ओके कर देता है या कुछ भी ऐसा मतलब रेंडरिंग वगैरह वहां पर करके फिर कहता है, फिर वहां पर एडिटिंग में जो स्प्लिट का ऑप्शन आता है ना, मतलब मेन चीज़ होती है भाई हम यूट्यूबर्स के लिए स्प्लिट का ऑप्शन कोई भी चीज़ कट करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं अटक रहा हूँ कहीं पर तो वहाँ पर कट वगैरह लग जाते हैं आराम से। तो मेन चीज़ वो होता है वहाँ पर, ये होता है कि भाई बहुत सा हिस्सा छोड़ने के बाद फिर जाए कट लगता है, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो हम नहीं काट पाते, तो इस वजह से ना हमें फाइल कन्वर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो फाइल जो है सपोर्ट होता है वहाँ। आज की वीडियो में आपको ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो सारे यूट्यूबर्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारे यूट्यूबर्स वो यूज़ करते हैं। आपको करना क्या है कि उसी में हर वीडियो मेरी जो भी वीडियोज हैं जिस मतलब कोई भी आप चैनल उठा रहे हो तो वो सारी मतलब इसी एप्लीकेशन, अभी जो मैं वीडियो शूट कर वो भी उसी एप्लीकेशन से मैं कर रहा हूँ, सारे यूट्यूबर्स यही यूज़ करते हैं। इसका रेजोल्यूशन आप जहाँ तक चाहे ले जा सकते हो और जहाँ तक चाहे जो है ना आप इसकी फ्रेम रेट वगैरह हर चीज़ आप जो है ना इस पर सेट कर सकते हो, आपका कैमरा कितने फ्रेम रेट तक आपकी जो कैमरा वो शूट कर सकता है, तो वो सिंपली इसमें सारी चीज़ें जो है ना सेटिंग अवेलेबल होते हैं। और बिल्कुल ये फ्री सॉफ्टवेयर है, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको उसका नाम आगे चल के बता रहा हूँ, वो सिंपली प्ले स्टोर पर भी आपको जो है ना मतलब ईजिली मिल सकती है। तो मैं कहाँ था, मैं मतलब भूल गया अभी, देखो अभी ये है कि भाई आपको जो है वो एप्लीकेशन मतलब वो प्ले स्टोर पे तो देखो लास्ट में से मिल जाएगी। अब वहाँ पर ये होता है कि आपको जो है बगैर किसी फाइल कन्वर्ट किए आपको वो फाइल जो है ना आपकी इजीली जो है ना सपोर्ट हो जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूँ काइन मास्टर वालों की, तो उस एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। तो ठीक है, अब उसकी सेटिंग्स के बारे में आपको जो है ना आगे चल के बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता चलूँ कि उसमें माइक का भी सिस्टम है। अगर आप अपने जो आपका कैमरा होता है रियल कैमरा होता है उसमें जो है अगर आप माइक अटैच करोगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ये बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं पहले क्या किया करता था कि माइक में मतलब जो है ना माइक का जो पोर्ट है वहाँ पर लगा दिया करता था। मैंने समझा कि यार रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पूरी शूटिंग कंप्लीट कर देखूँ तो भाई माइक मेरा चल नहीं रहा, मैंने माइक को ख़राब समझा। इसकी सेटिंग जो यहाँ पर ये इसका बटन होता है ऊपर नीचे मतलब करके देखा, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर जाके मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे तो वहाँ पर देखा था भाई ओपन कैमरा डाउनलोड करो, उसके कुछ सेटिंग्स है, मैं आपको स्क्रीन शॉट वगैरह यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आपको माइक का ऑप्शन वो करना पड़ता है उनके ऑन जो है ना, उसके बाद आपका जो माइक है वो चलता है। उसके बाद जो है आपको मतलब 1080p तक की जो है ना रेजोल्यूशन पे आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। आपको वहाँ पर ये है कि आपको 3 डॉट का ऑप्शन नजर आएगा या ऊपर सेटिंग का जो है ना ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ पर जाके आप अपने रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। और अगर बैक कैमरा से शूट करो तो वहाँ पर फोकस का जो मूड है वहाँ पर आपको 4-5 किस्म के फोकस के मूड नजर आएंगे।
मतलब ज़बरदस्त किस्म का ये एप्लीकेशन है। और आप जो अपना आईओ से होता है, मतलब डे में शूट कर रहे हो या मतलब आउटडोर कर रहे हो, इंडोर कर रहे हो, सारी चीज़ों की जो सेटिंग होती है ना माशाल्लाह से ज़बरदस्त होती है। लाइटिंग वगैरह अपनी जो है ना हाथ से आप सेट करके उसके बाद आप उसमें कोई भी इफेक्ट वगैरह लगा लो या कोई उसमें जो है ना क्या बोलते हैं उसको कलर्स वगैरह इफेक्ट मतलब लगा के आप सिंपली अपनी वीडियो को मतलब एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज की वीडियो होगी मैं थोड़ी मतलब शायद इसमें कोई वीडियो वगैरह ऐड कर दूँ आगे चल के, मतलब आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो उसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचा कि यार आपसे जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, तो प्लीज़ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 o